नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते होंगे आप सब भी अच्छे होंगे। आज छठ का है, जो कि नहाय खाय है। इस पावन दिन के शुभ अवसर पे आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं सक्सेस क्लास फैमिली की तरफ से। और ठंड आ गया है, आप लोग जो कि ठंड से बचने का प्रयास करेंगे, यानी जो कि जो स्वेटर वगैरह है निकाल लीजिएगा। मैंने भी अपना निकाल लिया है, क्योंकि ठंड दो ही टाइम मारता है, एक है जो कि ठंड आते समय और एक ठंड जाते समय। क्योंकि इस समय आदमी केयरलेस रहता है, बाकी जब ठंड तेज होती है तो उस समय तो हर आदमी अलर्ट रहता है। तो चलिए, आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, और ये टॉपिक है जो कि बिहार में बहावी आंदोलन है ना। बहावी आंदोलन से एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी के लिए है ना। बाकी जो कि बिहार दरोगा में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में सबसे ज्यादा पूछेगा है ना। बिहार दरोगा के मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो कि बिहार दरोगा के मेंस में ये बिहार स्पेशल का सिलेबस शामिल है, ठीक है। तो चलिए जो कि देखते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन की जो शुरुआत, यानी बहावी आंदोलन जो चला था वो 1828 से लेकर के 1888 तक के, 1828 से लेकर के 1828 तक के 88 के काल को जो कि बहावी आंदोलन का काल कहा जाता है। अब ये इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस आंदोलन के प्रवर्तक भारत में थे सैयद अहमद। सैयद अहमद जो राय बरेली के रहने वाले थे, सैयद अहमद जो राय बरेली के रहने वाले थे। फिर देखिएगा ये बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो पहला, सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा है मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चिमी प्रभावों को रोकना है ना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चिमी प्रभावों को रोकना है, जो कि इस आंदोलन का उद्देश्य था। तीसरी उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, तीसरी उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ठीक है। अब ध्यान देंगे बहावी आंदोलन का केंद्र है जो कि कहाँ था, बिहार में पटना। और बिहार में पटना यानी पटना में स्थित जो बहावी आंदोलन का जो केंद्र है उसे काफिला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काफिला कहा जाता था। इसके पटना में जो मेन नेता थे विलायत अली और इनायत अली, यानी अली बंधु, ठीक है। विलायत अली एवं इनायत अली ये दो भाई थे, दोनों मिल करके जो कि बिहार से जो कि बहावी आंदोलन को लीड कर रहे थे, खास करके पटना से, ठीक है। पटना के अति प्रमुख बहावी आंदोलन नेता, अब यहां में से भी कह देता है कभी कभी दोनों भाई में से सबसे प्रमुख कौन था है ना। तो पटना के अति प्रमुख बहावी आंदोलन का नेता है इनायत अली, इनायत अली था। फिर सैयद अहमद का पटना में आगमन कब हुआ था? सैयद अहमद का पटना में आगमन है जो कि 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसका कभी कभी दशक पूछ देता है बहावी आंदोलन का दशक, कि इसका मुख्य रूप से दशक कब से कब रहा, तो ये 1830 का दशक है जो कि कहा जाता है। जिस समय जो कि पटना में जो कि बहावी आंदोलन काफी चरमो सीमा पे था, तो उस समय जो कि पटना के कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर पटना के कमिश्नर था, ठीक है। फिर देखेंगे विलायत अली की मृत्यु कब हुआ, 1854 में। इनायत अली की मृत्यु कब हुआ, 1858 में, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे विलायत अली, यानी विलायत अली का बेटा है मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। विलायत अली के मृत्यु के बाद जो कि लीड कौन किया बहावी आंदोलन को, लीड कौन किया, तो ये लीड किया इसका छोटा वाला भाई इनायत अली, ठीक है। फिर इनायत अली की मृत्यु के बाद जो कि कौन लीड किया बहावी आंदोलन को, तो ये लीड किया है मकसूद अली, ठीक है। यानी है जो कि विलायत अली के बाद इनायत अली के बाद मकसूद अली। अब देखना है यहाँ कि पटना से बहावी आंदोलन समाप्त कब हुआ, पटना से बहावी आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो 1870-71 में, 1870-71 में जो कि ये समाप्त हुआ था। फिर देखिएगा बहावी आंदोलन में आध्यात्मिक नेता पूछता है कि आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो आध्यात्मिक नेता जो कि सर सैयद अहमद बरेलवी थे, सर सैयद अहमद बरेलवी थे। फिर जो कि बहावी आंदोलन के अंतिम नेता कौन थे, बहावी आंदोलन के अंतिम नेता कौन थे, तो अहमदुल्ला, बहावी आंदोलन के अंतिम नेता अहमदुल्ला थे। फिर देखेंगे आजीवन काला पानी बहावी आंदोलन के किस किस है जो कि नेताओं को आजीवन काला पानी मिला था, तो पहला नेता है अब्दुल रहीम, दूसरा है आहिया अली, तीसरा है अहमदुल्ला,
है नहीं, तीन लोगों को है जो कि काला पानी मिला था, ये तीनों का नाम है जो कि पुस्ता है। फिर देखेंगे अहमद उल्ला को मृत्यु दंड मिला था जिसे है जो कि आजीवन काला पानी में बदल दिया गया, है ना। अहमद उल्ला को मिला था मृत्यु दंड जिसे आजीवन काला पानी में बदल दिया गया था। इस समय जो वकील जो केस लड़े थे उस वकील का नाम है प्लाइडेन, उस वकील का नाम है प्लाइडेन, ठीक है। तो ये आपका है जो कि रहा बहावी आंदोलन। कोई अगर स्क्रीन शूट ना लिए होंगे तो आप स्क्रीन शूट ले लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।